लुकीता कहाँ है यार, जितनी जल्दी हो सके मेरे घर आ जा तू अभी के अभी। क्या हुआ, सीता बोलेगी भी? यार प्लीज तू जल्दी घर आ जा यार, मैं बहुत बड़ी टेंशन में हूँ, तू अभी के अभी घर आ जा यार बस। इसको कौन सी टेंशन हो गई, कहीं इसके घर में आग तो नहीं लग गई? नहीं नहीं नहीं, कहीं इसके मम्मी पापा ने इसको तलाक तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं नहीं, कहीं इसको हार्ट अटैक तो नहीं आ गया या डायबिटीज तो नहीं हो गया? दोबारा फोन लगाती हूँ। हेलो यार, तू फोन मत लगा बार बार, जल्दी घर आ जा बस, तू जल्दी घर आ जा मेरे, मैं बाहर हूँ यार, क्यों बुला रही है बताएगी भी क्या? यार तू बार बार फोन मत लगा, जल्दी घर आ जा मेरे बस, कहीं इसको हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? देख कर आती हूँ यार। क्या हुआ यार, बोलेगी भी? यार देख, अनिल ने कुछ फोटो भेजे थे हमारी दोनों की, वो डिलीट नहीं हो रही, मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, उसने व्हाट्सएप पर भेजा था लेकिन डिलीट ही नहीं हो रहा है। Oh, no. इधर आ। यार सुनना। क्या हुआ बे? तुझे पता है क्या? क्या? तुझे पता है क्या? क्या? यार नगमा, ये तू क्या क्या मत कर, अगर तुझे पता है तो हाँ बोल दे, नहीं तो ना बोल दे। हाँ यार चल ठीक है। तुझे पता है क्या? क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है नहीं पता। अबे क्या नहीं पता तुझे? अरे ये जो तू बोलने वाली है ना, वो नहीं पता मुझे। मतलब तुझे पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ? अबे मुझे क्या पता है तू क्या बोलने वाली है, इसलिए मैं ना बोली। तुझे कैसे पता, जो मैं बोलने वाली हूँ वो तुझे नहीं पता? यार अब तू ना ये सब छोड़, मुझे बात बता, आखिर बात क्या है, सीधा सीधा बोल बात क्या है। यार मैं सोच रही हूँ कहीं तुझे पहले से पता हुई बात तो। अरे यार उसमें क्या हुआ, अगर बात पता होगी तो होने देना। यार ऐसे कैसे होने दूं, अगर तुझे पहले से ही पता होगा और मैं बताऊंगी तुझे तो मेरा ही टाइम खराब होगा ना। तेरा मतलब टाइम खराब हो जाएगा? तेरा मतलब टाइम खराब हो जाएगा? और जो तू अभी इतनी देर से जो बक 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 करने लग रही थी, ये क्या था? सॉरी यार। क्या यार, तुम ना एक नंबर के बेवकूफ आदमी हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम फिर भी पराई स्त्रियों की तरह घूर घूर कर देखते हो। बेवकूफ औरत, ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि जिस दिन उपवास हो उस दिन खाने का मीनू भी नहीं देख सकते? ये तुम्हारा लाडला रोए जा रहा है, इसे चुप कराओ ना। बाल उछ रही हूँ, आप ही साफ कराओ, मैं कोई इसे दहेज में लेकर नहीं आई। मैं भी क्यों कराऊँ इसे चुप, मैं भी कोई थोड़ी ना इसको बारात में लेकर आया हूँ। सुनो जी, मेरे पापा ना इतना अच्छा गाना गाते हैं, जब वो गाना गाते हैं ना तो छत पर बैठे सारे कबूतर उड़ जाते हैं। तो तुम्हारे पिताजी क्या मुंह में गोलियां भर कर गाते थे? तुम कौन हो यार? तुम क्या अपनी खूबसूरत पत्नी को भूल गए क्या? नशा हर गम को भुला देता है यार। कौन से नशे की बात कर रहे हैं आप? अभी तुमने जो अपने आप को खूबसूरत कहा ना वो। हाँ वो तो मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। तुम कहाँ से खूबसूरत, तुम तो मोटी काली कलूटी काली भैंस हो एकदम। तू नशेड़ी शराबी जुआरी सान कहीं का? मैं तो ठीक हो जाऊंगा बेवकूफ औरत इस नशे से, पर तू तो हमेशा काली कलूटी रहेगी ना, इस कालेपन को कहाँ से दूर करेगी? मैं कहाँ से काली कलूटी लगती हूँ? खैर छोड़ो। सुनो जी, आपका वो दोस्त कहाँ गया जो सर्दियों के दिनों में कंबल बांटा करता था, गर्म कपड़े बांटता था? अब तो गर्मी आ गई है ना, तो उससे कहो ना एसी बांटे, कूलर बांटे, फ्रिज बांटे, कितनी गर्मी पड़ती है ना। तुम ना एक नंबर की बेवकूफ औरत हो। क्या कहा आपने? मैंने कहा एक चुटकुला सुनाऊं? हाँ सुनाइए जी। एक बार ना एक औरत अपने पति को डराने के लिए
चुड़ैल बन जाती है। तो जब शाम को उसका पति ना घर आता है काम करके ऑफिस से, तो वो औरत ना पति के आगे आ जाती है चुड़ैल बन करके। तो पति बोलता है, मैं तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरा। तो वो औरत बोलती है, क्यों नहीं डरा? तो पति बोलता है, तुम्हारे जैसी चुड़ैल एक मेरे घर पर भी रहती है, इसलिए नहीं डरा। बहू, अरी ओरी बहू, कहाँ मर गई? इधर तो आ। जी माँ जी, ये बुढ़िया मुझे फिर परेशान करने आ गई। घर का काम सब ठीक से तो कर रही है ना? जी माँ जी, ये लिपस्टिक कैसी लग रही है मुझ पर? और मैं इस ड्रेस में अच्छी तो लग रही हूँ ना? माँ जी, आप तो कैटरीना से भी बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम सेक्सी। हाय बहू, गुड़ खाकर मर जावा मैं तो। माँ जी, गुड़ लाऊं क्या अभी? क्या कहा बहू तूने? हाँ? Oh, no. हे भगवान, साली ये बुढ़िया कब मरेगी? जब देखो तब परेशान करती रहती है। माँ जी, मैंने कहा कुछ लाऊं क्या? हाँ बहू, जा ले आ। माँ जी, चाय पियोगी या बियर? तुझे मेरी पर्सनालिटी नहीं दिखाई देती? जा बियर लेकर आ मेरे लिए। जी माँ जी। माँ जी, ये लो। काम तो ढंग से कर लिया कर। ये बोतल पर कितनी धूल लगी हुई है, इसे साफ नहीं कर सकती क्या? सॉरी माँ जी, अब मैं घर के सारे बर्तन साफ कर दूंगी मैं। बहू, आज ना मुझे एक किटी पार्टी में जाना है। जो कपड़े कल खरीद कर लाई थी ना, टॉप स्कर्ट ना? हाँ वही, उन पर प्रेस कर देना। बढ़िया है बुढ़िया किटी पार्टी में जाने वाली। मम्मी क्यों रो रही है? बेटा, तेरी मम्मी ने कल मुझे आलू की सब्जी की जगह मूली की सब्जी खिला गई। तो क्या हुआ पापा? तो मुझे दस्त लग गए बेटा। तो अच्छा है ना पापा, आपका पेट साफ हो गया। अरे माँ, अब तो अपना साउंड बंद करो, अब क्यों रो रही हो? इधर आ बेटी, मैं तुझे बताता हूँ। तुझे पता है आज तेरी मम्मी ने मुझे कैसे पराठे खिलाए? बेटी पराठे ही तो खिलाए। बेटी तुझे पता है तेरी मम्मी ने मुझे कैसे पराठे खिलाए? तेरी मम्मी कल पराठे बेल रही थी तो उसकी पसीने की बूंदे टपा टप पराठे में गिर रही थी, जिससे वह गीला हो गया और तेरी ये माँ उसे सुखाने छत पर डालकर आ गई पराठे को। बेटी पराठे ही तो खिलाए। अरे माँ, दो मिनट के लिए अपना साउंड बंद करो ना। अच्छा पापा, फिर क्या हुआ? जब वह पसीने का पराठा सूख गया तो वहाँ पर छत पे कबूतर आ गए और कबूतरों ने लड़ी कर दी पराठे पर, उसको गंदा कर दिया। फिर जब तेरी मम्मी उस पराठे को छत पर से उठा कर लाई तो उस लेडी को साफ करने के लिए इसने सरफ से उसको रगड़ रगड़ के धुल दिया पराठे को, और फिर वही पराठा मुझे खाने के लिए परोसती तेरी माँ। पराठे तो खिलाए तो मैंने तुमको, मुझे इससे तलाक चाहिए, तलाक। मुझे भी नाक के साथ नहीं रहना, मुझे भी तलाक चाहिए, तलाक। रुको आप दोनों एक मिनट, मैं
अभी वकील साहब को बुलाती हूँ फोन करके। हेलो वकील साहब, मेरे घर आ जाइए अभी के अभी। मेरे मम्मी पापा को तलाक चाहिए, जल्दी घर आ जाइए आप मेरे। खड़ा है। वकील साहब, ये मेरी मम्मी है कामबाई और ये मेरे पापा है मुरमुरा। इन दोनों का ना तलाक करवा दो अभी के अभी। तलाक तो मैं करवा दूं पर ये लगेगा। वकील साहब कितना लगेगा? 50,000 से। 50,000 से एक रुपए भी कम नहीं लूंगा, तभी मैं तुम दोनों का तलाक करवाऊंगा। पापा देख लो, एडजस्ट कर पाओगे क्या? वकील साहब 50,000 तो बहुत ज्यादा है, थोड़े कम करो ना। वकील साहब, पंडित जी ने तो हमारी शादी 500 रुपए में कर दी थी और तुम शादी तोड़ने के 50,000 का ले रहे हो। 50,000 रुपए देना हो तो दो, नहीं तो मैं चला। पापा ये तो गया बेटी, मैं तो चली गए छोड़कर, चली जा मेरा थैला उठा ला।